We have been meditating on Acts chapter 20. प्रेरितों के काम चैप्टर 20 के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे एंड वर्सेस 17 to 21, वाक्य 17 से 21. प्रेरितों के काम चैप्टर 20 वाक्य 17 से 21. Acts chapter 20. प्रेरितों के काम चैप्टर 20 वर्स 21 वाक्य 21. Testifying to Jews and also to Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. बरन यहूदियों और यनोनियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए. Here, repentance toward God, faith toward our Lord Jesus Christ. परमेश्वर की ओर पश्चाताप और फिर प्रभु यीशु की ओर विश्वास. I was thinking that repentance is just to show I have repented to my brothers and sisters. तो मैं सोचता था पश्चाताप का मतलब यह है कि मैं दूसरों को, मेरे भाइयों और बहनों को यह दिखाऊं कि मैंने पश्चाताप किया है. But brother explained that repent before God. लेकिन फिर भाई ने बताया कि परमेश्वर के सामने या उनकी ओर हमें पश्चाताप करना है. Repent from what? किस चीज से पश्चाताप करना है? Repent from all our sins. हमारे सारे पापों से पश्चाताप करना है. What is sin? पाप क्या है? If whatever we disobey God's commandment. जो कोई भी प्रभु की आज्ञा होते हैं जिनका हम लोग पालन नहीं करते. God's word. प्रभु का वचन. Is sin. वो पाप है. So first step in our Christian life is repent. तो मसीह जीवन में सबसे पहला कदम यह है कि हम लोग पश्चाताप करें. John started his preaching, repent. यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो बोलता था कि पश्चाताप करो. Jesus started his preaching, repent. प्रभु यीशु ने भी अपना प्रचार का शुरुआत ये कहकर किया कि पश्चाताप करो. So my dear brothers and sisters, repentance is so important. तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, पश्चाताप इतना जरूरी है. Then repent and faith in Lord Jesus Christ. तो पश्चाताप करके फिर प्रभु यीशु के अंदर या उसके ऊपर हमें विश्वास करना है. Believe in Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो. Make us children of God. और हम उसके ऊपर विश्वास करने से हम लोग परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं. If we believe in Jesus Christ. अगर हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं. God take us as his son. तो फिर परमेश्वर हमें उसके पुत्र या बेटों के जैसे ले लेता है. Give us his life. और उसका जीवन फिर हमें देता है. Repentance means from our fleshly life to have a godly life. पश्चाताप का मतलब एक ऐसा जीवन जो हम लोग शरीर के हिसाब से जीते थे वो छोड़कर एक धार्मिक जीवन जिए. What is godly life? तो ये धार्मिक जीवन क्या है? That is life of Jesus. वो है प्रभु यीशु का जीवन. My dear brothers and sister. मेरे प्रिय भाई और बहनों. By having faith. विश्वास के जरिए. On Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के ऊपर. God will give you Holy Spirit to lead you godly life. परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा जिसके द्वारा तुम ये धार्मिक जीवन जी सकोगे. John chapter 3:6. यूहन्ना में जाएंगे चैप्टर 3 वाक्य 6. यूहन्ना चैप्टर 3 वाक्य 6. Those who born of the spirit is spirit. क्योंकि जो शरीर से जन्मे हैं वह शरीर हैं. So if you believe in Jesus Christ, God will bless you Holy Spirit to lead godly life. तो अगर तुम प्रभु यीशु में विश्वास करते हो तो फिर परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से आशीषित करेगा जिसके द्वारा तुम एक धार्मिक जीवन जी सकोगे. I was thinking that
फ्रॉम व्हाट आर द सिन आई हैव टू रिपेंट. तो मैं सोच रहा था ऐसा क्या पाप है जिससे मुझे पश्चाताप करना है. आई हैव रिपेंटेड फ्रॉम माय ओल्ड सिन. आई बिकेम चाइल्ड ऑफ गॉड एंड गॉड हैज गिवन मी होली स्पिरिट. व्हाट एल्स इज देयर. आई वाज थिंकिंग दैट. मैं सोच रहा था मैंने अपने पुराने पापों से पश्चाताप किया है, अभी मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और उसने अपनी पवित्र आत्मा मुझे दी है, तो अभी मुझे और कौन से पापों से पश्चाताप करना है. जीसस लाइफ, प्रभु यीशु का जीवन. इज योर लाइफ इज लाइफ ऑफ जीसस. क्या तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु के जीवन के जैसा है. डू यू लव योर ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइक जीसस लव्ड यू. क्या तुम अपने भाई और बहनों से उस तरीके से प्रेम करते हो जैसे प्रभु यीशु अपने भाई और बहनों से प्रेम करते थे. डू यू स्पीक विथ ब्रदर्स विथ काइंडनेस लाइक जीसस टॉक्ड. क्या तुम अपने भाई और बहनों से वो नम्रता और दीनता से बात करते हो जैसे प्रभु यीशु बात करते थे. Have you overcome all sins, fleshly sins? क्या तुम वो सारे शारीरिक पापों के ऊपर जय पा चुके हो. Still you get anger? अभी भी तुम गुस्सा तुम करते हो. Still you love money? अभी भी तुम पैसों के पीछे भागते हो. Still you love your job and comfort, convenience? अभी भी तुम अपने काम से ऐशो आराम से या आसान के जीवन से प्रेम करते हो. Yes, my dear brothers and sisters, so many things are there to repent. हाँ मेरे भाई और बहनों, कितनी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें पछताप करना है. How to overcome this all fleshly sins? तो ये सारी शारीरिक पापों के ऊपर कैसे हम लोग जय पा सकते हैं. Galatians chapter 5 verse 16 says, walk by the spirit. गैलेशिया चैप्टर 5 में लिखा है कि तुम्हें आत्मा के अनुसार चलना है. If you walk by the spirit, अगर तुम आत्मा के अनुसार या उसके जरिए चलोगे, you will not fulfill the lust of flesh. तभी तुम शरीर के हवसों को नहीं निभाओगे. Apostle Paul told, प्रेरित पॉलस ने कहा, that I have been crucified with Jesus Christ. कि मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ चुका हूं. That is the secret of repentance. यही है रहस्य की बात मन फिराने के बारे में. We will not please our flesh. हम लोग अपने शरीर को खुश नहीं करेंगे. We will not please our bodily activities. हम हमारे शरीर के कामों को पूरा नहीं करेंगे. We will obey the Spirit's leading. हम लोग हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेंगे. Flesh will lead you to sin. तुम्हारा शरीर तुम्हें बस पाप की ओर ही लेकर जाएगा. Spirit will lead you to righteousness. लेकिन आत्मा तुम्हें धार्मिकता की ओर लेकर जाएगा. My dear brothers and sisters, so many difficulties may be there, so many tests and trials may be there. मेरे भाई और बहनों, कितने सारे मुश्किलें और कितने सारे परेशानियां आ सकते हैं. God, those who love by God, God will correct us. जिन लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर उनको सुधारेगा. God will give the power to overcome any sin. परमेश्वर शक्ति देगा कि तुम कोई भी पाप के ऊपर जय पा सको. So, my dear brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, today we will start repent. आज हम लोग शुरुआत करेंगे पश्चाताप करने का. Please don't harden your heart. अपने मनों को कठोर मत करो. Today is the day of salvation. आज ही है दिन उद्धार का. Faith in Jesus Christ will lead you. प्रभु यीशु में विश्वास तुम्हारी अगुवाई करेगा. Godly life. धार्मिक जीवन की ओर. Life of Jesus. प्रभु यीशु के जीवन की ओर. Praise God. प्रभु की स्तुति हो.